तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल में दो एंगल्स का मेजरमेंट गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द अदर वन, मतलब जो भी चीज है जहाँ पे एक्स लिखा है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल और उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है, x डिग्री और प्लस 50 डिग्री और उसके बाद प्लस 50 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का अगर तुम जोड़ करके लिख दोगे सम करके तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। सर 50 प्लस 50 60 रहेगा, हो गए यहाँ पे, देखो यहाँ पे हो गया आपका 60 डिग्री। तो x एक हो गया एंगल, 50 दूसरा हो गया, 60 तीसरा हो गया, तीनों को प्लस करके 180 के बराबर कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 50 और 60 हो गया 110 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो x यहीं पे रह जाएगा, 110 इधर प्लस में था उधर जाके माइनस, तो वहां पे पहले 180 और माइनस 110 डिग्री विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो x की वैल्यू आ गई 70। अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो भी और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बी पार्ट देखो, बी पार्ट में क्या है, यहाँ पे भी y लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अब इसमें कंफ्यूज ये हो जाओगे कि एक तो दिया है तुम्हें 25, वो तो तुम्हें दिख रहा है कि 25 दे रखा है, दूसरा तुम्हें x दिख रहा है ना, yes, sir. एक 25 दिख रहा है, एक x दिख रहा है, और थर्ड वाला तुम्हें नहीं दिख रहा है, तो वो हम लोग क्या, उसको क्या होता है, वो 90 इस तरह से बना होता है, तो समझ लो 90 डिग्री का एंगल है, ऐसे स्क्वायर शेप में बना है। तो एक तुम्हें x दिया है, एक तुम्हें 25 दिया है, एक तुमने क्या लिख लिया 90 डिग्री, तीनों मिला के किसके बराबर हो गया, 180 के बराबर हो गया। अब इक्वल टू के लेफ्ट में जो लिखा होता है वो LHS होता है, और जो राइट में लिखा होता है वो RHS होता है। लेफ्ट साइड में अगर कुछ प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, फिर उसको ले जाके राइट साइड में माइनस करा दो। यहाँ पे 90 और 25 प्लस करो तो कितना आ जाएगा, 115 और बचा क्या, प्लस x डिग्री, x नहीं प्लस होगा, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। x को यहाँ छोड़ दो, उधर कौन है, उधर है 180 और माइनस 115, इसको कुछ लोग ऐसे लिखते हैं 115 माइनस 180, जो कि गलत हो जाएगा भैया। पहले इक्वल टू के इस तरफ जो लिखा है उसको लिखेंगे, फिर उधर से जो ला रहे हैं उसको बाद में लिखते हैं, तो 180 में से 115 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 65 डिग्री, और आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, 65। इसी तरह से थर्ड देख लो, यहाँ पे देख, पहले देख लिया करो कि तीनों एंगल गिवन है कि नहीं गिवन है। तो एक कितना है 20, दूसरा है 110 और तीसरा है x। तो यहाँ पे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। याद रखना एंगल सम प्रॉपर्टी किसमें लगती है, ट्राइंगल में लगती है। क्या करने के लिए लगती है, कि कोई भी दो एंगल दिया होगा तीसरा पता करना होगा, तो हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल का वैल्यू आप लोग पता कर सकते हैं। तो एक कितना हो गया 20 डिग्री, दूसरा कितना हो गया 110 डिग्री, तीसरा कितना हो गया x, इसको तीनों किसके बराबर, 180 डिग्री। बस यही चीज रहता है ट्राइंगल में, तीनों एंगल का सम वो 180 के इक्वल कर देना। अब इक्वल टू के लेफ्ट में LHS होता है, राइट में RHS। लेफ्ट में जो भी कुछ है उसको ऐड कर दीजिए, 130 डिग्री प्लस x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, इधर लाके माइनस करा दो, x इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, सो योर आंसर इज 50 डिग्री। ओके, लास्ट वाला फटाफट देख लेते हैं, इसमें देखो थोड़ा सा अलग है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, वही चीज, वही डायलॉग सब पे लिखना है, सब में वही डायलॉग लिखना है। और यहाँ पे एक एंगल 50 दे रखा है, दूसरा हमें x दे रखा है, और बाय डिफॉल्ट तीसरा भी हमें x दे रखा है, तीनों किसके बराबर, 180। अब लेफ्ट साइड में जिसको प्लस किया जा सकता है उसको प्लस करिए, x को x से प्लस कर सकते हैं, और प्लस हो जाएगा ये 50 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब उसके बाद यहाँ पे कर दे रहे हैं 50 इधर प्लस में इधर आके, और उधर बचा क्या रहेगा, इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री।
तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 130 डिग्री। इतना चीज हो गया 130, लेकिन अभी हमें x की वैल्यू चाहिए थी, 2x की वैल्यू आई, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके x इज इक्वल टू 130/2। इसको कट करेंगे तो 2 6 12 और 2 5 10, तो x इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये हो गया आंसर। यहाँ पे बस ध्यान रखना x और x आपस में प्लस होके 2x हो जाएंगे और ये 50 हो गया। इस क्वेश्चन में x x और x की वैल्यू मतलब दे रखा है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, उसमें भी लगाएंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगाएंगे। इसमें तीनों एंगल जो है वो सेम दे रखा है, x प्लस x प्लस x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। कुछ भी दिया हो एंगल की वैल्यू, कुछ भी दी हो, x दी हो, y दी हो, 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी दिया हो, तीनों एंगल को जोड़ दो, तीनों एंगल को जोड़ के 180 के बराबर कर देंगे। x x और x मिला के हो जाएगा 3x, जो कि इक्वल टू हो गया 180 के। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3x इज इक्वल टू 180 है, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 180/3। जब इसको काटेंगे 3 0, तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, और इसी तरह से सारे एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें भी हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगा के एक एंगल दिया हुआ है x, दूसरा दिया हुआ है 2x, तीसरा दिया हुआ है 90 डिग्री, तीनों बराबर हो जाएगा। अब x वाला टर्म x के साथ प्लस हो जाएगा, नंबर वाला नंबर के साथ प्लस हो जाएगा, ये 2x x के साथ प्लस हो जाएगा, 2x का x के साथ प्लस करेंगे तो 3x आएगा, और प्लस में 90 यहाँ बचा हुआ है, तो यहाँ पे इक्वल हो गया 180 के। अब ये जो 3x है ये 90 के साथ प्लस नहीं होगा, इसलिए 90 को हम लोग उसके जोड़ीदार के पास पहुंचा देंगे। yes, कहाँ है, राइट साइड, लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में। तो राइट साइड में अगर बेचारा जाएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे देखो 3x हो गया विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 90, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, 180 में से 90 माइनस करो 90, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 90/3, कट के आ जाएगा 30, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 30 डिग्री। x की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री आ गई। अगर x 30 हो गया, ये x 30 हो गया तो ये हो जाएगा 60, क्योंकि 2x है, 2 का मल्टीप्लाई x से है, तो x 30 है तो 2x 60 हो जाएगा। अब ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक बाहर वाला एंगल भी दिया है। बाहर वाला एंगल को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है कि ट्रायंगल की किसी एक साइड को बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद बाहर एक एंगल बन जाता है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। जैसे ये ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल में अगर हम ये से बढ़ा दिया तो यहाँ एक एंगल बन जाएगा जो कि एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, यहाँ बढ़ा दिया तो ये जो एंगल बन जाएगा वो एक्सटीरियर हो जाएगा, यहाँ बढ़ा दिया तो ये एंगल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे बढ़ा हुआ है और एक एंगल क्या है, एक्सटीरियर है, तो कभी भी अगर बाहर एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो समझ लेना कि उसका कहीं ना कहीं कुछ यूज होगा, जरूर होगा कि नहीं होगा। yes, sir. जैसे नेचर ने दुनिया में कुछ चीजें बनाई है तो उनका कुछ ना कुछ यूज तो है। yes, sir. एक चींटी से लेकर एक हाथी तक सबका कुछ ना कुछ यूज है, तभी बनाया गया, फालतू में कोई चीज नहीं बनाया गया। क्यों बनाया गया, नहीं बनाया गया। तो उसी तरीके से अगर एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो समझो उसका कुछ ना कुछ यूज होगा। तो अब तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी सिर्फ ट्रायंगल के अंदर लगती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल के बाहर लगती है, क्योंकि नाम ही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर लिखा है तो मतलब बाहर। तो यहाँ पे हम लोग पहले लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो लिखेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये जो बाहर वाला एंगल होता है, बाहर वाला कौन है, 110, यही तो है बाहर वाला। तो बाहर वाला एंगल होता है वो अपने अंदर, मतलब अंदर और सामने, दो चीजें ध्यान रखो, अंदर और सामने के जो दो एंगल होते हैं उनके सम के ये इक्वल होता है। समझना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन समझने की कोशिश करो तो समझ जाओगे। ये बाहर वाला एंगल, ये इसके अंदर, चलो ट्रायंगल के अंदर पहुंच गए, गाड़ी आपकी ट्रायंगल के अंदर पहुंच गई। अब गाड़ी को लेकर जाना है सामने, कहाँ लेकर जाना है, सामने। देखो ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3, तीन एंगल बन रहे हैं,
तो ये जो बाहर वाला एंगल है ना, ये सिर्फ अंदर के दो एंगल से मतलब रखता है। कितने एंगल से? दो। और किससे किससे रखता है जानते हो? अपने बगल वाले से नहीं, अपने सामने वाले से। किससे रखता है? अपने सामने, जो उसके दूर रहेगा उससे वो मतलब रखता है, समझे? जैसे तुम्हारे पड़ोसी जो होते हैं उससे तुम्हारे, उनसे तुम्हारी लड़ाई होती रहती है, लेकिन जो लोग दूर दूर रहते हैं उनसे लड़ाई नहीं होती है। सही बात है। तो इसके जस्ट पास में कौन सा एंगल है? वाई, तो उससे मतलब नहीं रखेगा। बचा कौन? ये बस इन दोनों से मतलब रखेगा। कितना सिंपल था, है ना? था कि नहीं, समझे? जैसे हमारे जो पड़ोसी होते हैं, हमारे जो घर में एकदम पास रहते हैं, हम हमारी उनसे लड़ाई होती रहती है कि नहीं होती है? लेकिन जो दूर दूर रहते हैं उनसे लड़ने जाते हो कि चलो आज गाड़ी स्टार्ट करें जाए उनसे लड़ाएं, फिर कल चलेंगे उनसे लड़ाएंगे, ऐसा तो नहीं करते ना? तो दूर वालों से नहीं लड़ते हो। तो ये जो बाहर वाला एंगल है वो दूर वालों से ही मतलब रखेगा। तो दूर वाले कौन कौन है? x और 60। तो ये वाला जो एंगल है ये x प्लस 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक, 60 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस, क्योंकि 60 x के साथ प्लस नहीं होगा, क्योंकि 60 एक नंबर है। आई बात समझ में? x एक वेरिएबल है, तो 60 अपने दोस्त के पास जाएगा, दोस्त के पास जाएगा तो बेचारा प्लस में था, माइनस में हो जाएगा। और इधर क्या बचा? इधर बचा x। 110 में से 60 माइनस करोगे तो हमें पता चला कि 50 बचता है। तो x की वैल्यू भैया कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। लेकिन यहाँ पे y की भी वैल्यू पता करनी है। अब x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, ठीक है? तुम लोग को पूछना चाहिए था कि सर हमने पहले एंगल सम प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगाया? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ आर ट्रायंगल, जैसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाए तो पहले एंगल सम प्रॉपर्टी भी तो लगा सकते थे। एंगल सम प्रॉपर्टी लगती कहाँ है? ट्रायंगल के अंदर। क्या करने के लिए? एंगल, एक एंगल निकालने के लिए। लेकिन अगर दो एंगल ही नहीं पता तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा पाओगे? अब देखो ट्रायंगल के अंदर एक ये वाला एंगल था, एक ये वाला एंगल था, ये दोनों हमें नहीं पता था, तो एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगा पाओगे। लगाओगे भी तो आंसर नहीं आएगा। आंसर तब आएगा जब कोई एक एंगल ना पता हो। अब क्या है, एक्स की वैल्यू तुम्हें पता चल गई कितनी है? 50। अब तुम लोग वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एक इस एंगल का नाम क्या है? 50 डिग्री। दूसरे वाले एंगल का नाम क्या है? 60 डिग्री। तीसरे वाले एंगल का नाम क्या है? वाई। तीनों किसके इक्वल हो जाएंगे? 180 डिग्री। बहुत ध्यान से सुनना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो होती है वो 180 के इक्वल नहीं होती है, लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी किसके इक्वल होती है? 180 के। तभी लगाना ट्रायंगल के अंदर जब दो एंगल दिए हो और एक पता करना, समझे? यहाँ पे हम लोग पहले एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते थे क्योंकि यहाँ पे दो नहीं पता था। चलो 50 और 60 जोड़ो कितना होगा? 110 प्लस y इज इक्वल टू हो गया 180। अब ये 110 उधर चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। y इज इक्वल टू पहले कौन था वहाँ? 180। 180 माइनस 110 विच इज इक्वल टू, हाँ भैया, विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। आ गया ना y की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में हमें x और y की वैल्यू पता करनी थी, तो इसमें हमने दो प्रॉपर्टी लगाई। व्हाट आर द नेम ऑफ द टू प्रॉपर्टीज? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल एंड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H और I पार्ट में, यहाँ पे X और Y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बताओ सबसे पहले हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएं कि एंगल सम प्रॉपर्टी? देखो तुम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल के अंदर लगता है। दो प्रॉपर्टी याद रखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल के अंदर लगता है, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में एक्सटीरियर वर्ड आ रहा है जिसका मतलब होता है बाहर। जब बाहर का एंगल पता करना हो या बाहर का एंगल दिया हो तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे और एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल के अंदर लगाएंगे। अब अगर तुम ट्रायंगल के अंदर देखो तो तीन एंगल है, एक 40 है, एक 60 है और एक y है। हमने कहा था कि अगर तीनों एंगल में से किसी एक को पता करना है तो तुम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो क्या हम पहले यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? यस सर, यस सर। यहाँ पे एक दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा पता करना है, तो लगा नहीं सकते एंगल सम प्रॉपर्टी? बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर दो ना दिया होता तब ना लगा पाते, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही का तो नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एक एंगल हो गया 40 डिग्री, और एक एंगल हो गया 60 डिग्री, एक एंगल हो गया वाई, तीनों बराबर हो गए, 180 हो गया। अब नंबर का नंबर में जोड़ दो, 60 और 40 हो जाएगा 100, और यहाँ पे हो गया प्लस वाई विच इज इक्वल टू 180। अब ये उधर जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस में आ जाएगा 100 आ जाएगा। समझ में आया भैया? लगा दो।
देते हैं, तो y की वैल्यू आ गई कितनी यहाँ पे 80 डिग्री। तो यहाँ पे ये मत कंफ्यूज होना कि कौन सी प्रॉपर्टी पहले लगाए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग लगा देंगे, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी तभी लगाए जब दो एंगल पता था, एक नहीं पता था। अब हम लोग क्या लगाएंगे, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सम नहीं होता यहाँ, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब बाहर वाला एंगल कौन है, X. अब हमने कहा था बाहर वाला जो एंगल होता है वो अपने बगल वाले से दुश्मनी और सामने वालों से दोस्ती रखता है, तो इसके बगल में y है जिससे हो गई दुश्मनी, अब जो बचे उससे दोस्ती। बचे कौन कौन, 60 बचे और कौन बचे 40 बचे। 60 और 40 दोनों मिला के कितना हो जाएगा 100। ये खेल होता है भैया किसका, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का। ये x की वैल्यू आ गई बड़े आराम से, लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं, इनका भी निपटारा कर दे, कर दे कर लोगे, चलो निपटारा कर देते हैं, है ना, कर दे निपटारा। तो यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक और एंगल के बारे में जानना होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये जो x है ये तो तुम्हें बड़े आराम से पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। क्यों सर, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है भैया, तुम लोग फुल फॉर्म में लिख लेना। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई x की वैल्यू, 60 डिग्री आ गई। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, सामने वाला एंगल इक्वल होता है, जैसे कोई दो लाइन अगर एक दूसरे को काट रही है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट एनी पॉइंट। तो यहाँ पे x की वैल्यू 60 आ गई बड़े आराम से, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी सीख लो। तीन एंगल के बारे में जाने, तीन चीजों के बारे में, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल सामने सामने वाला एंगल, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई बात समझ में, तो x किसके बराबर हो गया 60 के। अब ये बताओ भैया कि ये 60 हो गया और ये तुम्हें 30 दिया है और सिर्फ एक एंगल प्रॉपर्टी पता करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल। एक एंगल दिया है y, दूसरा है 30 और तीसरा पता चल गया 60, तीनों बराबर हो गया 180। 30 और 60 मिलके हो गया 90, प्लस करके इधर हो गया 90 डिग्री, और वो किसके इक्वल हो गया, 180 के इक्वल हो गया। तो 90 इधर आके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 90, तो यहाँ पे आ गया 90। तो y की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो इस वाले जो तुम्हारा क्वेश्चन था इसमें आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में सीखा, इसके बारे में सीखा वर्टिकली अपोजिट, सामने वाला एंगल क्या होता है इक्वल, उसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, समझे। और दीज टू क्वेश्चंस आर होमवर्क, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड गेट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, यस सर, ओके, यस सर, अंडरस्टूड, यस सर।